राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक परिचर्चा जारी है। गठबंधन के विषय में कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल ठीक नहीं है और ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने रफ्तार मीडिया के संवाददाता सौरव राय से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में भी राजनीति अपने परम सीमा पर है। राजनीतिक उम्मीदवार को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सुबोधकांत सहाय जी। सर, आपका स्वागत है। सर, अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा और जेएमएम और कांग्रेस में, आज हेमंत सोरेन अपनी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसमें कुछ चीज़ें उभर के आई होगी भी उनकी पार्टी में, और जो दिल्ली में बातें हुई उसके बाद उन्होंने ही कहा है कि मैं गुरुजी से बात करके उसके बाद तय करूँगा। मुझे लगता है एक आध घंटे के अंदर जो भी उनकी राय होगी वो सार्वजनिक हो जाएगी। अगर कांग्रेस को मिलता है तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार जो होगा वो घोषित हो जाएगा। कहाँ ईडी फीडी है यार, ये तो अमित शाह का एजेंडा एजेंसी है, ये मोदी का एजेंसी है, कोई ईडी है? हम लोग 40 साल 3-4 प्रधानमंत्री के साथ हम भी काम किए हैं, देश का गृह मंत्री हम भी रहे, बहुत सारे मंत्रालय चलाया, कभी जीवन में हम लोग CBI ईडी फीडी को सोचते भी नहीं थे कि इसकी उपयोगिता गलत काम के लिए की जा सके। अब तो परंपरा ही बदल गया है, हर जगह आप देखिए लोगों को कैसे सताया जा रहा है। आप देखिए उसका राहुल वो उसका जो है शाहरुख खान का बेटा, वो उसका लिविंग एग्जाम्पल है, सिर्फ इसलिए कि शाहरुख का बेटा था और उससे पैसा वसूला जा सकता था, एक मासूम को महीने भर जेल में डाल दिया। इस तरह से जो रांची में हो रहा है वो आप चेक करने आए थे मनरेगा, लेकिन आप घूमते चल रहे हैं पूरे राज्य में, और इसके पीछे जो राजनीतिक उद्देश्य है वो तो बहुत साफ है कि सरकार को किसी तरह 3 बार ये सरकार को गिराने का खरीदने का प्रयास हुआ है, उसी का ये कार्यकलाप है। मैं समझता हूँ देश के जनतांत्रिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग और जितना उसकी मर्यादा का ह्रास हुआ है, इस देश की आज़ादी के बाद ऐसी घटना कभी नहीं घटी। इसलिए अब लोगों ने ईडी पीडी को CBI को बहुत कैजुअली लेने लगे कि ये तो पॉलिटिकल द्वेष से काम करेगा ही करे। क्या लगता है कि आने वाले समय पे लोगों को ये केंद्रीय एजेंसी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि आप तो पिंजरे के तोता हो, कोर्ट ने कहा है इनको, और कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आने लगा है इन एजेंसियों के खिलाफ वो अपने आप में साबित है। आम आदमी तो देखिए देश की जनता, ये देश बड़ा अद्भुत है, यहाँ मुगल आए, इतना साल हम पे राज किया, अंग्रेज आए, लेकिन ये देश का प्रवृत्ति नहीं बदला। आज मोदी राज कर रहे हैं जो अपने आप में तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक बने हुए हैं, वो 8 वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति क्या है आप देख लीजिए। हमने छोड़ा था, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे, हम छोड़ा था, खजाना भरा था, आज हर जगह से ले लिया गया लोन कर्जा, कभी इतना महंगाई हुआ था? कभी इतना बेजुबान संस्थाएं हुई थी? कोई बोल नहीं सकता। मीडिया आज आप लोग जैसे लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े घराने हैं वो तो सब पूंजीपतियों के पास चले गए और पूंजीपति इनके पार्टनर हो गए इस सरकार के। तो इसलिए मेरा मानना है कि विश्वास तो एक नहीं, सारे जो हमारे जनतांत्रिक संस्थाएं थी उससे उठ गया, लेकिन जनता महान है, इसका सबक सिखाए। अब आगे देख रहे हैं क्या झारखंड में इसी प्रकार से CBI और ED द्वारा जांच की जाती है कि नहीं। रफ्तार मीडिया से कैमरामैन मुकेश के साथ मैं